तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अभी कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क का उद्घाटन किया और ये सड़क आज से चालू हो गया है। गाड़ियां काफ़ी तेज़ी से आ रही है इस रूट पे और काफ़ी ही बड़ा ये हाईवे बना है। आइए आपको दिखाता हूँ आज इस हाईवे के बारे में और कुछ बताता भी हूँ। वैसे तो ये हाईवे बन के तैयार था काफ़ी दिनों से, लेकिन ये अपने उद्घाटन की राह देख रहा था और ये सड़क अब चालू हो गया है। दिखाता हूँ आपको, मैं भी आज घूमते घूमते इस सड़क पे आ गया हूँ। शाम का वक्त है, लगभग 7:15 बज रहा है, अंधेरा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको ठीक से दिखाई दे रही होगी ये सड़क। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि गाड़ियाँ कुछ हल्की फल्की चलना स्टार्ट हो गई है। 8 लेन का है ये सड़क, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 लेन इधर है या। और ये महिपालपुर है दिल्ली में, वहाँ से ये सड़क स्टार्ट हुई है और इसको चंडीगढ़ तक के लिए बनाया गया है। स्पीड बहुत ज़्यादा लोग चला रहे हैं, नई सड़क है, भीड़ कम है, लेकिन स्पीड इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि स्पीड से दुर्घटना होने का एक कारण बन जाता है। सड़क खाली है इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पे स्पीड चलाएं, और हर गाड़ी बहुत ही स्पीड से इस पे चल रही है। ये काफ़ी लोग अभी इसको ट्रायल भी ले रहे हैं इस सड़क पे आकर के। और एक इस रोड को बन जाने से समझिए कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक दिल्ली शहर से बाहर बाहर निकल जाएगा। 50% जो दबाव बनता था, जो लोग पंजाब से खास करके जो आते थे एयरपोर्ट के लिए, उन्हें शहर में जाना होता था, लेकिन अब वो दबाव कम हो जाएगा इस पर ट्रैफिक का। और ये सड़क जैसे ही बना उसके बाद से इस पर रफ्तार बढ़ गई। कोई भी इस रोड पे धीरे चलने के लिए राजी नहीं है क्योंकि रोड अभी खाली है, और रोड जब खाली हो रहा है तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। कुछ गाड़ियों को मैं दिखाता हूँ, कुछ लोग तो धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग बहुत ही स्पीड में इस पे चल रहे हैं। और दृश्य तो खूबसूरत लग ही रहा है। जल्दी ही हम इस रोड पे अपनी गाड़ी लेके आएंगे, आज तो मैं पैदल आ गया हूँ घूमते घूमते, और इस पे आगे तक दूर तक मैं आपको दिखाऊंगा कि सफ़र इस पे कैसा लग रहा है। लेकिन अभी जो लग रहा है वो जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसे तो यही पता चल रहा है कि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये बिल्कुल ही नया, अभी जस्ट ये तैयार हुआ है सड़क, और इस सड़क पे लोग अब ड्राइव करके, देखिए स्पीड इनकी, ये भी स्पीड, कोई भी कम पे चलने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक देखिए, ऐसा लग रहा है कि 150 की स्पीड में लोग चल रहे हैं इस रोड पर, और हर तरफ भीड़ भाड़ बहुत है। भीड़ भाड़ का कहने का मतलब यह है कि स्पीड ज़्यादा है। मैं बीच में खड़ा हूँ और अभी तो सब कुछ नया बना है, तो नए नए ये डिवाइडर वगैरह सब लगाए गए हैं। जल्दी ही चलेंगे इन सड़कों पे आगे के लिए। शाम हो गई है और शाम को यहाँ मच्छर बहुत है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, ज़रा अभी उजाला है और रोड पे लोग जब गाड़ियाँ चल रही हैं तो अच्छा लग रहा है देखने में। काफ़ी स्पीड लोगों में एक क्रेज बना हुआ है कि अभी ये जो नई सड़क बनी है इस पे चला जाए, इस पे घूमा जाए। और ये देख रहे हैं ना, कल तक इस सड़क पे गाड़ियाँ बिल्कुल ही नहीं थी, आज यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। और द्वारका एक्सप्रेस वे जो कि महिपालपुर और उधर गुड़गांव से आगे से कनेक्ट हो रहा है और ये आगे चंडीगढ़ को जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का जो कि बन गया। और इस प्रोजेक्ट को लाने में इस सरकार की बड़ी भूमिका रही, और इस सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये तैयार हो चुका है और इस पे गाड़ियों का सफ़र चालू है। तो जल्दी ही मिलते हैं एक बड़े वीडियो के साथ और बहुत ही लंबे सफ़र के साथ।